तो साथियों, अगर आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट का नाम चेंज करना चाहते हो, नाम को अपडेट करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत आसान तरीके से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में अपना नेम चेंज करना चाहते हो, अपने नाम को अपडेट करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बहुत आसान तरीके से अपना नाम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में अपडेट कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आज हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी, अदरवाइज़ आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर को देखने को मिला हो क्या, बैंक, आपको यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच, जो ब्रांच का नाम आपको दिया गया वो ब्रांच का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। फर्स्ट एप्लीकेंट नेम, जिस भी नाम से आपका खाता खुला हुआ है वो नाम आपको यहाँ पर लिख देना, अभी प्रेजेंट में जो नाम है आपका वही लिखना अभी। सेकंड एप्लीकेंट नेम, अगर आपका खाता किसी के साथ ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम भी यहाँ पर लिख देना है। अकाउंट नंबर आपके पासबुक में दिया गया होगा, बहुत प्रॉपर तरीके से अकाउंट नंबर मैंसन कर देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, वही मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आपके खाते में लगा हुआ है। सीधी सी बात है, अगर आपको नहीं पता कि मेरे खाते में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है, तो आप अभी प्रेजेंट में जो इस्तेमाल कर रहे हो वो नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये तो थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम क्या है हमारी, नौवें नंबर पर आपको देखने के लिए मिला हुआ क्या, चेंज माई नेम टू, यहाँ पे आपको आपका नाम लिख देना है, बिल्कुल सही सही नाम लिखना है, और वही नाम लिखना है जिसके बेसिस पर आपकी कोई गवर्नमेंट आईडी हो। मान लीजिए मैरिज सर्टिफिकेट हो, अगर आप लड़की हैं, मैरिज सर्टिफिकेट हो आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर कोई और गवर्नमेंट आईडी है आपके पास, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है, आप यहाँ पर ले सकते हो, और जो उसमें लिखा हुआ है सेम टू सेम वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए, इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर मैंसन कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई और समस्या है, कोई और प्रॉब्लम है, तो वो भी आप यहाँ पर मैंसन कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको दूसरे वाले पेज पर आ जाना है। चलिए, हम लोग दूसरे वाले पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ साथियों, आपको देखने के मिल रहा होगा क्या, फर्स्ट अकाउंट होल्डर सिग्नेचर, यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर लिख देने हैं, वही सिग्नेचर लिखने हैं जो कि आपके अकाउंट में लगे हुए हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको नहीं पता कि मेरे खाते में कौन से सिग्नेचर लगे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना साथियों। आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, अपने बैंक एम्प्लॉय से मिलना है और कहना है सर मेरे सिग्नेचर वेरीफाई कर दीजिए, आपके सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएंगे। सेकंड अकाउंट होल्डर सिग्नेचर में अगर आपका खाता ज्वाइंट है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर उसके सिग्नेचर ले लेने हैं, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो चुका है। चलिए, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो भाई, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप अपना जो नेम है वो चेंज कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अच्छे से ले लीजिए, करवा लीजिए, कहीं पर भी हो जाएगी। और यहाँ पर अब आपको पासबुक की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है, तीनों को अटैच करके इस फॉर्म से, तो आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना है बहुत प्रॉपर तरीके से। वो कहना है कि सर यहाँ पे जो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरा नेम चेंज करने के लिए, मेरा नेम गलती से यहाँ पे गलत अपडेट हो गया मेरे अकाउंट में, आपका नाम चेंज हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।